In this module, I will be explaining the concept of common stock and we will also discuss how the price of a common stock is determined. So, firstly, we need to understand what is a common stock. Common stock is a common hai, ya principal technique or principle technique that corporation investment. उसको अगर वो उसमें इजाफा करना चाह रही है तो वो क्या करती है वो कॉमन स्टॉक्स इशू करती है और उससे वो कोई भी लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो अपना अपने लिए लिएटी uh, कैपिटल को जनरेट करने के लिए कॉमन स्टॉक्स को जारी करती है और इससे क्या होता है कि जो भी कॉमन स्टॉक्स को बाय करते हैं वो उस लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं या स्टॉक होल्डर्स बन जाते हैं यानी कि उसके पार्टनर्स बन जाते हैं और उनके कुछ राइट्स डिफाइन हो जाते हैं सो so, क्या राइट्स होंगे उनके या उनकी जो किस कीमत को अदा करके वो कॉमन स्टॉक को बाय कर सकते हैं ये तमाम फैसले जो जनरल uh, बॉडी की हेड होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाउ मच प्राइस विल बी सेट बाय ओवरऑल लिस्टेड कंपनी फॉर अ कॉमन स्टॉक और जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनके राइट्स क्या होंगे जनरली द राइट्स आर प्रोमालगेटेड दे आर रिटर्न दे आर डिफाइंड बट दे आर स्पेसिफिक टू एवरी लिस्टेड कंपनी उसमें कुछ कमी बेशी वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से करते हैं सो द राइट्स दैट आर गिवन टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स और द स्टॉक होल्डर्स कैन वेरी फ्रॉम कॉरपोरेशन टू कॉरपोरेशन बट जनरली उनके जो राइट्स हैं उसमें राइट टू वोट होता है कि वो एनअल जनरल मीटिंग्स के अंदर अपने वोट्स कर सकते हैं कोई भी डिसीशन होना है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है देन दे हैव द राइट टू क्लेम के जो रेजिडअल है जितना भी आपने जो कैश फ्लोज वगैरह जो भी आपके खर्चे हैं किसी भी कंपनी के वो तमाम अदा कर दिए हैं और उसके बाद जो बाकी के पैसे बच गए हैं वो क्लेम करेंगे स्टॉक होल्डर्स को पैसे वो मिल सकते हैं राइट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और डिविडेंड कितना मिलेगा इट कैन बी डिसाइडेड ऑन द ऑन सर्टन रेगुलर इंटरवल्स और डिविडेंड्स को हम देखते हैं कि देर आर कंपनीज जो डिसाइड करती हैं कि हम हर छः माह के बाद डिविडेंड देंगे या एक साल के बाद डिविडेंड देंगे तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन स्टॉक एक और अहम बात है कि जो स्टॉक होल्डर है उसके पास राइट है वो अपने स्टॉक को ओपन मार्केट में जाके सेल भी कर सकता है कोई भी खरीद सकता है कोई भी जाके उसको सेल कर सकता है और उसका शेयर होल्डर बन सकता है या मालिक बन सकता है वेन वी टॉक अबाउट द कॉमन स्टॉक्स देर आर सर्टन एंट्री केसेस दैट नीड टू बी अंडरस्टुड सबसे पहली बात ये के जो डिविडेंड्स हैं यानी कि वो डिसाइड होते हैं मुनाफे की बेसिस पे किसी भी कॉरपोरेशन लिस्टेड कंपनी ने जब कॉमन स्टॉक्स को जारी किया है तो वो जब अपने सारे तमाम ख़र्चे अदा कर लेती है जो उसने पेमेंट्स करने हैं उसके बाद जो उसके पास प्रॉफिट बच जाता है उसके लिए वो डिसाइड करती है कि मुझे इस मुनाफे को अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटना है या मुझे री इन्वेस्ट कर लेना है अगर वो ये डिसाइड करती है कि मुझे बांटना है तो उस पर्टिकुलर शेयरिंग ऑफ द प्रॉफ़िट को हम कहते हैं डिविडेंड तो डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है कि आपने डिविडेंड सालाना तौर पे डिवाइड करना है शेयर होल्डर्स में या बाय एनअली करना है हर छः माह के बाद करना है या इट कैन बी क्वार्टरली ऑल्सो और देर इज ऑलवेज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो डिफ़ाइन करता है कि डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और डिविडेंड कितना दिया जाएगा या हम इस सारे जो मुनाफा हमने कमाया है इसको हम री इन्वेस्ट कर लेंगे फाइन सो दिस दीज आर द डिसंस दैट आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज़ कि जो स्टॉक है आपने इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी कंपनी में उस स्टॉक को कॉमन स्टॉक क्यों कहते हैं तो कॉमन स्टॉक का मतलब है कि जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि इसकी फला मशीन आपकी हो गई है आप फला कंपनी के या कंपनी के एसेट के या फला प्लांट के मालिक बन गए तो यू विल नॉट बी गिवन द ओनरशिप ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट ऑफ दैट कंपनी कॉमन स्टॉक का मतलब है आप जनरल वाले मालिक हैं सो इट डज नॉट मेक यू द ओनर ऑफ एनी स्पेसिफिक एसेट ऑफ दैट कंपनी तो दे फॉर वी यूज़ दिस वर्ड ऑफ अ कॉमन स्टॉक कि आप कॉमन जो सब चीज़ें जो कॉमन हैं जनरली आप वहाँ शेयर होल्डर हैं उसके शेयर होल्डर हैं मगर स्पेसिफिकली किसी एक मशीन ए या मशीन बी या फॉर ये वाली रॉ मटेरियल के मालिक नहीं हैं इस वजह से हम कॉमन स्टॉक का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं सो बेसिक क्वेश्चन इज कि जब हमने कॉमन स्टॉक लेना है उसकी एक कीमत होगी वो कीमत का तायन कैसे होता है सो दिस इज दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द दब्सिक्वेंट सेक्शन